इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीट मामले पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिए, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। तो आपको बता दें नीट मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिए। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें कही हैं नीट मामले को लेकर। तो आपको बता दें नीट मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। हिसाब से भी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1,550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है, एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा विश्व की कई दिन। तो आपको बता दें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सरकार ने भी उसमें अपना पक्ष रखा है, सरकार उसका सामना करने के लिए और संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत ही प्रामाणिकता के साथ खड़ी है। जो घटना सामने आई है सरकार ने उसे गंभीरता से लिया है। एनटीए देश में 3 बड़ी परीक्षाएं नीट, जेईई और सीओईटी सफलतापूर्वक आयोजित करता है, निश्चित रूप से दोषियों को दंड दिया जाएगा। तो आपको बता दें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी सजा मिलेगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 परीक्षा की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने कहा है कि आज एनटीए ने खुद माना है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था उससे बच्चों में असंतोष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उन बच्चों का 23 जून को दोबारा एग्जाम दिया जाएगा। अब उनमें से जो बच्चे फिर से एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं उनका असली स्कोर होगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे। सवाल ये है कि क्या एनटीए में कोई और विसंगति है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा खुला है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी।